सर मैं कई देर से कुछ कहना चाह रहा हूँ। सर आज ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक वाल्मीकि समाज के बीच जो आए हो, आज से 75 साल से कोई नेता ऐसा नहीं है जो वाल्मीकि समाज के बीच आया है। सर आज ये देख के हमको एक आशा हो रही है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। शुक्रिया बहुत बहुत। और सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जैसे 15-20 दिन पहले आप एक इधर विजिट करने आए थे, तब आप ऑटो ड्राइवर के घर पे खाना खाने गए थे, तो क्या सर आप एक वाल्मीकि समाज के घर पे खाना खाने आओगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सोलंकी है। हर्ष मैं जरूर आऊंगा आपके घर। थैंक यू सर। उसके पहले मेरा एक प्रस्ताव है। हाँ सर मानोगे? बताओ। पक्का? पक्का। मैंने देखा है कि सभी नेता चुनाव के पहले दलितों के घर खाना खाने दिखावा करने जाते हैं। हाँ सर। आज तक किसी नेता ने किसी दलित को अपने घर नहीं बुलाया खाने के लिए। नहीं। आप मेरे घर आओगे खाने के लिए? हाँ सर पक्का। आपके घर में कौन कौन है? सर मैं, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन और मेरे पापा और मम्मी, 5 लोग हैं हम। 5 लोग हैं? हाँ सर। तो कल 5 लोगों के लिए मैं आपके लिए हवाई जहाज की टिकट भेजूंगा। थैंक यू सर। आप कल दिल्ली आओगे? थैंक यू पक्का सर। कल दिल्ली में मेरे घर पे सीएम आवास के ऊपर आपके पूरे परिवार का खाना मेरे पूरे परिवार के साथ होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और उसके बाद अगले बार जब भी मैं अहमदाबाद आऊंगा, अगली बार मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा। पक्का पक्का और सर, पक्का। एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी, एक सेवा का मौका पंजाब वालों को भी। एक मिनट। हर्ष एक सेवा का मौका पंजाब को भी मिलना चाहिए कि कल जब आप पांचों लोग आप अपने परिवार के समेत सीएम साहब के घर पे खाना खाओगे, तो आपके ठहरने का प्रबंध जो है वो पंजाब भवन में करेंगे। दिल्ली में आज। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप दिल्ली में स्कूल भी देख के आना, सब कुछ देख के आना दिल्ली में, फिर बताना है। पक्का पक्का सर।